सभी को प्यार भरा नमस्कार। इम्पीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की जो हमारी क्रॉप है उस क्रॉप का नाम है चिली, उसको मिर्ची कहते हैं, और इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ज़रूर अटेंड करनी है आपको, पूरी क्लास अटेंड करिएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे। इसमें मैं आपको बीच बीच में ये भी बताऊँगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पीछे BHU ICR और JET के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अब कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर पुराने स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ख़त्म होने के बाद में इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या होता है मिर्च कल्टीवेशन में, ठीक है। सबसे पहले देखिए, बात करता हूँ कि मिर्च जो होती है हमारी, वो दो प्रकार की होती है। चिली दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सामान्य मिर्च, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हॉट पेपर के नाम से जानते हैं। तो सामान्य मिर्च होती है उसको हॉट पेपर के नाम से जाना जाता है, और जो शिमला मिर्च होती है उसको स्वीट पेपर के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो शिमला मिर्च है उसके दो तीन और नाम देखने को मिल जाएंगे। इसको हम वर्ल्ड चिली के नाम से भी जानते हैं, इसको हम बेल पेपर के नाम से भी जानते हैं, और इसको स्वीट पेपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नामों की। तो सबसे पहले देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम, अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है सामान्य मिर्च का, तो सामान्य मिर्च का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैप्सिकम एनम। क्या हो जाएगा? कैप्सिकम एनम हो जाएगा। जो हाई लेवल की बुक होती है उसमें उल्टा दिया होता है, उसमें कैप्सिकम फ्रूटसेंस सामान्य मिर्च को बताया गया है और कैप्सिकम एनम शिमला मिर्च को बताया गया है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा अलग हो रखा है इसमें। इस हालांकि मैंने आपकी 12th की बुक के अकॉर्डिंग ही इसको प्रिंट किया है, 12th की बुक के अकॉर्डिंग ही इसको प्रिंट किया है, लेकिन कहीं कहीं बुक में ये भी दे रखा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो मैंने बताया है वो ही याद करना है। वैज्ञानिक नाम कैप्सिकम एनम, और इसका स्वीट पेपर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैप्सिकम फ्रूटसेंस, ठीक है। फिर बात करते हैं कुल की। तो कुल इसका होता है सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल का ये पादप होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, तो मिर्ची का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो माना जाता है मेक्सिको। कहाँ माना जाता है? मेक्सिको। अब देखिए, मेक्सिको एक सिटी भी है और मेक्सिको एक देश भी है, मेक्सिको सिटी भी है देश भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपको अधिकतर जब देगा तो सिटी या देश ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देगा, वो सीधा आपको ये देगा कि जो चिली है उसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है। तो चिली का ओरिजिन प्लेस आपको मेक्सिको जवाब देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद में फल का प्रकार। अब जो चिली होती है उसके फल का प्रकार क्या होता है? बेरी होता है। इंग्लिश में इसको बेरी बोलते हैं और हिंदी में इसको सरस बोला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे मैंने अभी हिंदी में बेरी लिखा है वैसा वहाँ पर बेरी लिखा हुआ आ जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका पढ़ा हुआ याद होता है लेकिन वो वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है। हिंदी में इसको इंग्लिश में इसको बेरी बोला जाता है और हिंदी में इसको सरस बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है इसका खाने वाला भाग। तो मिर्ची जो होती है वो उस पौधे का फल वाला भाग होता है, मिर्ची जो होती है उस पौधे का फल वाला भाग होता है। इसके अलावा मिर्ची के अलावा टमाटर, मिर्च और बैंगन और ये भिंडी, ये जो चारों फसलें हैं ये उस पौधे का क्या होती है, उस पौधे का फल वाला भाग होती है। वापस से बता देता हूँ, मिर्ची है, उसके बाद में बैंगन है, उसके बाद में टमाटर है, उसके बाद में आपकी भिंडी है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज थी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, अगर इसमें गुणसूत्र संख्या आपसे पूछ ली जाए तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 24। कितनी होगी? 24 होगी गुणसूत्रों की संख्या। फिर इसके बाद में वो आपसे पूछ सकता है फूलों का रंग। तो जो मिर्ची में फूलों का रंग आता है वो कौन सा होता है? सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि BHU JET ICR BHU में कहीं भी कि मिर्च का फूलों का रंग किस प्रकार का होता है। फिर वो ऑप्शन देगा आपको सफ़ेद, फिर देगा वो आपको नीला, फिर पीला, फिर उसके बाद में आपको वो कोई सा भी ऑप्शन दे देता है। तो देखिए, मोस्टली जो फूलों का कलर होता है, मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ आपको, मोस्टली जो आपको फूलों का कलर मिलेगा वो दो प्रकार के फूल ही मिलेंगे। या तो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा पीले कलर के फूल, अगर पीला नहीं है तो फिर आपको मिलेगा सफ़ेद कलर का फूल, ठीक है। ये दो ज़्यादा मिलते हैं। अगर सभी क्रॉप की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशल इसकी नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी क्रॉप की बात कर रहा हूँ। अगर इसका रेशो निकाला जाए, हर क्रॉप का रेशो निकाला जाए, तो मोस्टली जिन जो फसलें होती हैं उनका फूल का कलर जो होता है वो पीला होता है, लेकिन पीले के बाद में सफेद होता है, और बाकी जो स्पेसिफिक क्रॉप्स होती हैं, हमारी फसलें होती हैं, किसी का नीला हो गया, फिर किसी का काला हो गया, इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेशो होता है वो पीला कलर का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, मिर्च का लाल रंग कैप्सिसिन के कारण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये मिर्च की क्रॉप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि मिर्च का लाल रंग कैप्सिथीन के कारण होता है। तो वो आपसे पूछेगा कि मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाल रंग का जवाब देना है आपको कैप्सिथीन के कारण होता है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, तो दोनों में से एक पूछ सकता है वो आपको, लेकिन ऑप्शन में आपको वो दोनों ही देगा, कैप्सिथीन भी देगा और कैप्सिसिन भी देगा। तो आपको ध्यान रखना है, अब इसको आप किस प्रकार से कोरिलेट करके याद रखोगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने वाले वर्ड्स हैं और ये ही आएगा, सवाल आ सकता है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैप्सिसिन से क्या होगा, कैप्सिसिन से तीखापन आएगा, और जो हमारा कैप्सिथीन है उससे
मिर्ची का लाल रंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, हरी मिर्च में विटामिन ए और सी पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन कौन कौन सा पाया जाता है, तो मिर्च में विटामिन कौन कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए और सी पाया जाता है, हरी मिर्च में विटामिन ए और सी पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको याद ऐसे रखना है कि जैसे ही आप मिर्ची खाते हो तो आपके मुंह से आवाज़ आती है सी सी की, तो इस सी से आप अंदाज़ा लगा लेने कि मिर्च जो होती है उस मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, मिर्च का सबसे तीखा भाग प्लेसेंटा होता है। अब देखिए प्लेसेंटा होता क्या है ये समझिए पहले। आपने देखा होगा कि जो मिर्ची होती है, मिर्ची के अंदर वाला जो भाग होता है उसमें लंबे लंबे तंतु होते हैं, उस तंतुओं पर क्या होता है, उस तंतुओं पर बीज लगे होते हैं, तो वो जो तंतु होते हैं, तंतुनुमा संरचना होती है, उसी तंतुनुमा संरचना को प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। और पूरी मिर्ची के अंदर जो सबसे तीखा वाला भाग होता है वो प्लेसेंटा ही होता है, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे तीखा वाला भाग कौन सा होगा, प्लेसेंटा ही होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, मिर्च से ओलियोरेजिन निकाला जाता है। तो ओलियोरेजिन अगर आपसे पूछ लें कि किन किन फसलों से निकाला जाता है, तो मिर्ची और मेथी ये दो चीज होती हैं। मिर्च और मेथी से क्या निकाला जाता है, ओलियोरेजिन। अभी ओलियोरेजिन क्या होता है, ओलियोरेजिन एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, इसी लिक्विड होता है, या लिक्विड इसको लिक्विड में के रूप में निकाला जाता है। और ये पदार्थ विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि जो ओलियोरेजिन है वो किससे निकाला जाता है, तो मिर्च से निकाला जाता है और मेथी से निकाला जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, सूखी लाल मिर्च में देखिए, सूखी लाल मिर्च जो होती है उसमें 54% तो बीज होते हैं। जो हम मिर्ची सुखाते हैं, मिर्ची सुखाने के बाद हम क्या करते हैं, मिर्ची सुखाने के बाद हम, हमारा सुखाने का मकसद ये होता है कि उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद में उसका पाउडर बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो पाउडर होता है उस पाउडर में 54% बीज, 54% बीज होता है, और 40% क्या होता है, पेरिकार्प, यानी पेरिकार्प को हम छिलका बोलते हैं। तो 40% क्या होता है, पेरिकार्प या छिलका होता है, जिसके कारण मिर्ची क्या हमें लाल रंग की दिखाई देती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 6% प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मैंने अभी बताया था कि मिर्ची के अंदर लंबे तंतु होते हैं, उस पर बीज लगे होते हैं, वो प्लेसेंटा कहलाता है। तो समझ में आ गया, सूखी लाल मिर्च में 54% बीज, 40% छिलका और 6% प्लेसेंटा पाया जाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि सूखी लाल मिर्च में छिलका और बीज का अनुपात कितना होता है, तो छिलका और बीज का अनुपात आपको देना है 54:40, या छिलका बीज और प्लेसेंटा का अनुपात, तो छिलका बीज और प्लेसेंटा का अनुपात कितना हो जाएगा, 54:40:6, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कमेंट करना, मैं वापस से समझा दूंगा, अभी नहीं, अभी समझिए सिर्फ, बाद में कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। अगला सवाल देखिए क्या है, सॉरी अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारी उन्नत किस्में। अब उन्नत किस्में दो प्रकार की हैं, एक तो सामान्य मिर्च की किस्में हैं और दूसरी है शिमला मिर्च की किस्में। अब तो पहले हम सामान्य मिर्च की किस्में पढ़ेंगे, सामान्य मिर्च की किस्में क्या क्या है। देखिए इस सामान्य मिर्च की जो किस्में हैं, इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा वेराइटी फेमस है, या जो सबसे ज़्यादा फेमस किस्म है, उस किस्म का नाम है पूसा ज्वाला। अब ये पूसा ज्वाला इसको समझना कैसे है, देखिए ज्वाला का मतलब क्या होता है, ज्वाला का मतलब होता है आग या गरम या अग्नि, और मिर्ची भी क्या होती है, गरम होती है, इस चीज़ को आप जानते हो, ठीक है। तो अब देखिए पूसा ज्वाला किस्म अगर आपको भूल जाओ तो ध्यान रखना है कि उसी, एक तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जो भी किस्म आपसे पूछी जाती है ना, उसी किस्म के अंदर उस फसल का या उस क्रॉप का थोड़ा सा हल्का सा हिंट छुपा होता है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है। लगभग 90% जो फसलें होती हैं ना, फसलों की वैरायटीज होती है, उस वैरायटीज में ही उसका क्लू छुपा होता है कि ये किसकी वैरायटी हो सकती है, तो आपको अंदाज़ा लगाना होता है वहाँ पर, ठीक है। अब पूसा ज्वाला से अंदाज़ा लगा लिया गरम, और अब ऑप्शन में देखिए गरम कौन सी चीज़ है, गरम मिर्च है यार, तो मिर्च का बिल्कुल सही जवाब हो गया इसका, मिर्च, ठीक है। अब मिर्च क्या है, पूसा ज्वाला जो किस्म है वो क्या है, अब वो पूसा ज्वाला किस्म मिर्च की सबसे फेमस वेरायटी है, उसमें क्या है, मिर्च के लीफ कल रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। अब इसको समझिए ध्यान से, मिर्च के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो हानिकारक रोग होता है उस रोग का नाम है लीफ कल रोग। लीफ कल रोग का मतलब ये है, देखिए इस लीफ कल वर्ड को भी समझा देता हूँ मैं, लीफ का मतलब होता है पत्तियाँ और कर्ल का मतलब होता है मुड़ जाना, किसी के कर्ली हेयर होते हैं तो घुमावदार मुड़े हुए हेयर होते हैं, तो वो उसी प्रकार की संरचना बन जाती है पत्तियों की, ठीक है। तो लीफ कर्ल बीमारी में क्या होगा, मिर्च की जो पत्तियाँ होगी वो घूम जाएगी, घुमावदार हो जाएगी या मुड़ जाएगी, ठीक है। अब ये समस्या पैदा किसके कारण होगी, तो ये समस्या जो पैदा होती है, ये समस्या पैदा होती है वायरस के द्वारा, किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा पैदा होती है। और इस वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि स्वस्थ पौधे, सॉरी ये जो हमारा पौधा इन्फेक्टेड प्लांट होता है, संक्रमित पौधा होता है, उस संक्रमित पौधे से स्वस्थ पौधे पर ले जाने का जो कार्य करती है, वो कार्य करती है सफ़ेद मक्खी। वो आपसे सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है वहाँ पर, या सफ़ेद मक्खी ना लिखकर वो आपको वहाँ पर वैज्ञानिक नाम लिख देगा, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं नाम बता देता हूँ, सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है बेमेसिया टेबेसाइट, ठीक है।
क्लियर हो गया। अब देखिए होता क्या है, मैं फिर पहले भी हजार बार समझा चुका हूँ, वापस से समझा देता हूँ। देखिए जो मिर्च का पौधा होता है, इसमें सबसे पहले वायरस का संक्रमण होता है। वायरस का संक्रमण होने के बाद में जो पत्तियों में बदलाव आता है, वो पत्तियाँ क्या हो जाती है, करली हो जाती है। क्या हो जाती है, करली हो जाती है, मतलब घूम जाती हैं, उनमें घुमाव या उनमें बेंड आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो सफ़ेद मक्खी होती है मेमेसिया टेमेसिया, ये क्या करती है, ये कभी स्वस्थ पौधों पर बैठती है, कभी संक्रमित पौधों पर बैठती है, कभी स्वस्थ पौधों पर बैठती है। तो इससे उसके पैर में क्या हो जाते हैं, वायरस चिपक जाते हैं, और वो वायरस क्या होते हैं, संक्रमित पौधे से स्वस्थ पौधे में भी पहुंच जाते हैं, और धीरे धीरे देखते ही देखते पूरी जो हमारी क्रॉप है वो इस रोग के चपेट में आ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये जो पूसा ज्वाला किस्म है, इस किस्म को उगाना चाहिए, क्योंकि इस किस्म में क्या होता है कि इसका प्रकोप नहीं होता, बहुत कम, ना के बराबर प्रकोप होता है इस रोग का। तो सबसे पहले तो हमें पूसा ज्वाला किस्म उगानी चाहिए, ठीक है, ये करना चाहिए। फिर इसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके जो वायरस को नियंत्रित करने के जो केमिकल या रासायनिक उपचार है या भौतिक उपचार है, उनको उपयोग में लेना चाहिए, ठीक है। तो यह आपका पूसा ज्वाला किस्म को इतना समझाने का मकसद मेरा यह था कि ये इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं अन्य कौन कौन सी वैरायटीज हैं। नेक्स्ट है पूसा लक्ष्मी, फिर है आंध्र ज्योति, फिर है पंजाब लाल, फिर है पंत सी फर्स्ट, फिर पंजाब सुर्ख, फिर NPU6A, फिर अर्का लोहित, फिर उसके बाद में कल्याणपुर येलो, फिर उसके बाद में CH1, फिर उसके बाद में सिंदूर। अब देखिए सिंदूर क्या होता है, सिंदूर लाल कलर का होता है, तो मैंने पीला इसको क्यों किया, इसको पीला इसीलिए किया है मैंने क्योंकि सिंदूर जो है उसका मतलब है कि सिंदूर लाल कलर का होता है, और ये जो वैरायटी है ये मिर्च की वैरायटी है। फिर इसके बाद में है सूर्य रेखा, फिर इसके बाद में किरण, और फिर उसके बाद में अपर्णा। तो ये कुछ वैरायटियाँ थी जो किसकी हैं, ये वैरायटीज़ हैं आपकी सामान्य मिर्च की, ठीक है। अब वो आपसे सवाल जब पूछेगा तो वो आपसे सवाल कैसे पूछेगा, वो आपसे सवाल पूछेगा सामान्य मिर्च की तीन किस्में देगा और एक किस्म देगा वो आपको शिमला मिर्च की, और पूछेगा कि इसमें से शिमला मिर्च की किस्म कौन सी है, या फिर वो आपको तीन किस्म शिमला मिर्च की देगा और एक सामान्य किस्म की देगा, और फिर वो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी किस्म शिमला मिर्च की, सॉरी कौन सी किस्म सामान्य मिर्च की, तो वहाँ पर वो आपको कन्फ्यूज कर देगा। इसलिए आपको सारी किस्में का पता होना जरूरी है, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि सामान्य किस्में कौन कौन सी होती है, अब मैं आपको बताता हूँ शिमला मिर्च की किस्में कौन कौन सी होती है। तो देखिए जो शिमला मिर्च की किस्में हैं उसमें भी एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, शिमला मिर्च की जितनी भी किस्में होंगी उनके जो नेम होंगे वो नेम इंग्लिश होंगे, मोस्टली किस्मों के नेम इंग्लिश होते हैं, बाकी की हिंदी भी मिलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपको कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन ऐसा आता है और उसमें इंग्लिश नेम लिखा हुआ है, तो पहचानना है आपको कि ये क्या हो सकता है, ये शिमला मिर्च की वैरायटी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए शिमला मिर्च की वैरायटी कौन कौन सी है वो बता देता हूं। सबसे पहला है आपका कैलिफोर्निया वंडर, इंग्लिश नेम है, फिर उसके बाद में है येलो वंडर, ये भी इंग्लिश है, फिर बर्ड बीटर, फिर चाइनीज जायंट, फिर बुलनोज, और फिर स्वीट बनाना। ये इतनी जो वैरायटीज थी ये सारी की सारी क्या थी, इंग्लिश थी। इसमें जो सबसे फेमस वैरायटीज है दो हैं, वो कौन कौन सी है, एक तो है स्वीट बनाना। स्वीट बनाना को बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये वैरायटी कन्फ्यूजन करती है, कैसे करती है, वो आपसे पूछेगा कि स्वीट बनाना किसकी किस्म है, फिर वो आपको ऑप्शन, सबसे पहला जो ऑप्शन देगा वो देगा केला, फिर उसके बाद में दो ऑप्शन और दे देगा, फिर तीसरा ऑप्शन वो आपको, सॉरी एक ऑप्शन और दे देगा, फिर तीसरा ऑप्शन वो देगा आपको सामान्य मिर्च का, और सबसे चौथा ऑप्शन देगा वो आपको शिमला मिर्च का। तो आप क्या एग्जाम में एक्साइटमेंट में रहते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ने को उसका ध्यान से नहीं पढ़ते हो, पढ़ने के बाद में आप जैसे ही पहला ऑप्शन पढ़ते हो कि केला और स्वीट बनाना, हाँ केला की हो सकती है, तो फिर आप केले पर टिक कर देते हो और वहां आपका आंसर गलत हो जाता है और आप माइनस मार्किंग में चले जाते हो। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, अगर आपको आता भी है, कंफर्म भी है, फिर भी आपको चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद में ही आपको गोला काला करना है, इस चीज का ध्यान रखें। तो अब अगर आपने अभी तक ये वैरायटी पढ़ी नहीं होती स्वीट बनाना, और मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता, तो मोस्टली मैं देखता हूं टेस्ट सीरीज में भी बच्चे ऐसा ही करते हैं। टेस्ट सीरीज जो हमारी चलती है सुबह ठीक 11:30 बजे और शाम को ठीक 8:30 बजे, सुबह एग्रीकल्चर की और शाम को बायोलॉजी की चलती है रोजाना, तो उसमें भी मैं ऐसे ही देखता हूँ, मैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस लेके आता हूँ और बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है और पहले जवाब दे देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है और एग्जाम में तो स्पेशली नहीं करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे वैरायटी देखिए क्या है, अर्का बसंत, अर्का बसंत के बाद में है अर्का मोहिनी, फिर उसके बाद में है अर्का गौरव, फिर उसके बाद में पूसा दीप्ति, फिर भाग्य लक्ष्मी, और फिर उसके बाद में है कंधारे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या है, अब ये भाग्यशाली है, भाग्यशाली है ये, भाग्यलक्ष्मी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक वैरायटी लिखी हुई है अर्का बसंत। अब अर्का बसंत तो आपको पता है कि अर्का बसंत मिर्च की वैरायटी, लेकिन अगर आपसे वो पूछ ले कि पूसा बसंत किसकी है, तो पूसा बसंत किसकी वैरायटी है, पूसा बसंत गेंदे की वैरायटी है, ध्यान रखना। और अभी जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, सॉरी सुपरवाइजर नहीं, EEO का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि
ये जो पूसा नारंगी वैरायटी है ये किसकी है? अब नारंगी, अब देखिए जब आपसे सवाल पूछा गया कि पूसा नारंगी, नारंगी का मतलब क्या होता है कि वो ऑरेंज कलर है, और गेंदे का कलर कौन सा होता है? ऑरेंज होता है। तो उससे आपको कोरिलेट करना है, कोरिलेट करना है और अंदाज़ा लगाना है, अगर आपको नहीं आता है तो। और अंदाज़ा भी ऐसी कंडीशन में लगाना है जब 50-50% वाला चांस हो। अगर आपको दो आंसर का पता है कि ये दो तो बिल्कुल गलत हैं, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, और इन दोनों में से होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये कदम उठाना है। अगर आपको चारों ही नहीं पता है फिर वहाँ पर मत करना, रिस्क मत लेना, माइनस मार्किंग हो सकती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्वीट बनाना और बुनना सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। ठीक है, और भाग्यलक्ष्मी और कंदारी भी वैरायटी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में नीचे एक नेक्स्ट वैरायटी है जिसका नाम है मथानिया लोकल। अब ये मथानिया लोकल की क्या कहानी है, कैसे बनी, कैसे हुआ, ये बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए थोड़ा। देखिए, राजस्थान में एक जगह का नाम है, राजस्थान में एक जिला है जोधपुर, वहाँ पर एक गाँव का नाम है मथानिया। क्या नाम है? गाँव का नाम है मथानिया। और उस मथानिया गांव में सबसे ज़्यादा मिर्ची का उत्पादन होता है, और उस मथानिया गांव के अंदर जो मिर्ची पैदा होती है उसकी जो वैरायटी होती है और उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की मानी जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर उस गांव को सम्मान देने के हिसाब से, या उस गांव में और उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, जोधपुर से जोधपुर जो काजरी है वहाँ से एक वैरायटी को डेवलप किया गया, और उस वैरायटी का नाम रखा गया मथानिया लोकल। क्या नाम रखा गया? मथानिया लोकल रखा गया। तो ये मथानिया एक्चुअल में एक गाँव है, और इस गाँव का एक स्टूडेंट है मथानिया का, जिसको मैंने पढ़ाया भी है बाकायदा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे संयोग से मिले हम, और मैंने उसको पढ़ाया बकायदा, यहाँ यूट्यूब पे नहीं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पढ़ाया था उसको। ठीक है, हो सकता है अभी वो लाइव चैट में हो, गौरव नाम है उसका, गौरव देवड़ा, वो आता भी है कंटिन्यू क्लासेस में, और काफ़ी ठीक है वो। तो वो वहाँ का एक बच्चा था, और वो उसने जब मैं पढ़ा रहा था तो उसने कहा कि सर मैं इसी गाँव का हूँ, तो फिर मैंने उसको वापस से ढंग से एक्सप्लेन करके बताया था कि क्या क्या कैसे इसका नाम मथानिया लोकल हुआ। तो अब देख ली, अब ध्यान रखना है मथानिया लोकल अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी वैरायटी है तो राजस्थान हेतु मिर्च की सबसे प्रसिद्ध किस्म है, वो आपसे ऐसे पूछेगा कि राजस्थान हेतु मिर्च की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, ठीक है, तो फिर उसका जवाब देना है आपको मथानिया लोकल। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, अगर न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर ओल्ड स्टूडेंट हो तो लाइक कर देना, और क्लास खत्म होने के बाद में आपको उसका कमेंट करके जाना है कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे इस पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, आगे वाली क्रॉप कल आएगी आपकी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, अगर कमेंट नहीं करोगे दैट मीन्स आपको पसंद नहीं है या समझ में नहीं आया, तो फिर आगे क्लासेस नहीं आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में है नेक्स्ट बीज दर। अब बीज दर वाला सवाल BHU और PAT और ये जो JET ICER के एग्जाम है इसमें मोस्टली पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है। तो देखिए, सामान्य अगर पूछा जाए आपसे कि सामान्य बीज दर कितनी रखी जाती है, या सामान्य मिर्च की बीज दर कितनी रखी जाती है, तो उसकी बीज दर होती है 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर। समझ में आ गया? 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर रखते हैं, 1 हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर या 2.47 एकड़ होते हैं। मैं रोज़ बोलता हूँ इस चीज़ को, याद कर लेना, पक्का है, बहुत बार काम आती है। ठीक है, 1.5 किलोग्राम, अगर 1.5 किलोग्राम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और 1500 ग्राम लिखा हुआ है तो 1500 ग्राम भी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 1.5 किलोग्राम को 1500 ग्राम बोला जाता है। ये तो है सामान्य मिर्च की। अगर आपसे शिमला मिर्च की पूछ ले तो शिमला मिर्च का क्या हो जाएगा? शिमला मिर्च का हो जाएगा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर। शिमला मिर्च का क्या हो जाएगा? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर इसकी सीड रेट रखी जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रॉप, मैं कह रहा हूँ पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करवाऊंगा, बस आपको पूरी क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए अगला है हमारा शिमला मिर्च का, बता चुका हूँ मैं सीड रेट कितनी होती है। अब नेक्स्ट है हमारा केप्टन या थायरम से बुआई से पूर्व बीजों को क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है। केप्टन या थायरम से बुआई से पूर्व बीजों को क्या किया जाता है? उपचारित किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए केप्टन और जो थायरम होती है ये एक विशेष प्रकार की दवाई होती है जो कवकनाशी होती है। क्या होती है? कवकनाशी होती है, और बीज पर जितने भी कवक या फंजाई लगे होते हैं उनको नष्ट कर देती है। तो इसीलिए केप्टन और थायरम मोस्टली आपने देखा होगा 95% के समथिंग जो बीज उपचार करते हैं वो केप्टन और थायरम से करते हैं। ठीक है, तो केप्टन और थायरम से इसलिए किया जाता है क्योंकि एक विशेष प्रकार के कवकनाशी होते हैं, और बीज के ऊपर उपस्थित जितनी भी जो कवक होती है, जो हानिकारक कवक होती है, उस कवक को ये नष्ट कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारा जो बीज होता है वो स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधशाला। अब पौधशाला क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए पौधशाला क्या होता है। देखिए, पौधशाला को इंग्लिश में हम कहते हैं नर्सरी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको हम इंग्लिश में भेजते हैं, उसको हम स्कूल में भेजते हैं, तो उसको सबसे पहले नर्सरी क्लास में रखा जाता है। नर्सरी क्लास में उसको क्यों रखते हैं? वहां पर वो क्या करता है? वहां पर वो बैठना सीखता है, सुनना सीखता है, कुछ छोटी मोटी चीजें सीखता है कि स्कूल में क्या क्या होता है। फिर वो धीरे धीरे LKG में, UKG में, फिर ऐसे बढ़ता है। ऐसे ही पौधा होता है, उसके लिए भी एक नर्सरी क्लास होती है। उस नर्सरी क्लास में पौधे
को क्यों रखा जाता है? क्योंकि पौधा छोटा है और पौधा कमज़ोर है और पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में उसको क्या रखा जाता है, पौधशाला या नर्सरी के अंदर रखा जाता है। उसको हम खेत में सीधा नहीं उगा सकते हैं। खेत में उगा सकते हैं, लेकिन उगाने से क्या होगा कि वो बिल्कुल जो वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं उसका सहन नहीं कर पाएगा और उसके कारण क्या हो सकता है, वो पौधा नष्ट भी हो सकता है। तो हम पौधशाला में क्या कर सकते हैं, पौधों को अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं और उनको इसीलिए पौधशाला के अंदर उगाया जाता है। अब जो पौधशाला का जो एरिया होता है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उस एरिया को वो आपसे पूछ सकता है कि एक सामान्य जो आपकी फसल होती है, उस सामान्य फसल में आपको नर्सरी तैयार करने के लिए कितने वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 250 वर्ग मीटर आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में हम क्या करते हैं, नर्सरी लगाते हैं एक हेक्टर के लिए। अगर वो आपसे 2 हेक्टर पूछता है तो 250 को 200 इंटू कर दो तो 500 वर्ग मीटर आ जाएगा। अगर 4 पूछता है तो जितना पूछेगा उसको उतने से इंटू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनका जो बीज और पौधा होता है वो बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में जो वर्ग मीटर क्षेत्र है वो आपका बढ़ जाता है पौधशाला का। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट है आपका बुआई का समय। अब बुआई का समय कब करते हैं, तो जो शिमला मिर्च और सामान्य मिर्च होती हैं उसका वैसे तो पूरे साल मिल जाएगी आपको मिर्ची, आप देखते हो, आप अमूमन देखते हो कि पूरे साल आपको मिर्ची मिल जाती है, लेकिन जो उसका एग्जिट टाइम होता है, उसका जो ओरिजिनल मिर्ची जो होती है वो आपके जून से अक्टूबर के महीने में क्या उसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। और मोस्टली जो सर्दी के अंदर जो मिर्ची आती है, सर्दियों के मौसम में जो मिर्ची आती है वो एक्चुअल में ओरिजिनल मिर्ची होती है, और उसी मिर्च को ओरिजिनल मिर्च माना गया है क्योंकि उसमें सारे गुण और उसकी जो अरोमा है, उसकी जो सुगंध है और उसके जो प्रॉपर्टीज या गुण है वो बिल्कुल उसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि मंडी में जाते हैं, वहाँ पर हम मिर्ची देखते हैं और मिर्ची देखने के बाद हम उसको उठा कर घर ले आते हैं। बाकायदा ऐसा सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन वो क्या होती है, पॉली हाउस की मिर्ची होती है और उसमें ना तो इतना स्वाद होता है ना इतना टेस्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि जून से अक्टूबर तक क्या किया जाता है, इसकी सोइंग की जाती है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये इसकी फ्रूटिंग हो जाती है और ये मार्केट में आ जाती है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा सवाल नहीं है, फसल ज्यामिति। अब फसल ज्यामिति या इसको हम क्रॉप डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से L इंटू P दिया हुआ होता है। L का मतलब होता है लाइन, P का मतलब होता है प्लांट, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। तो हम खेत में लाइन से लाइन की और पौधे से पौधे की दूरी हम कितनी रखते हैं, 45x45 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं, 45x45 सेंटीमीटर रखते हैं। अब अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है, इसको जलवायु के बारे में बताया गया है कि मिर्च की जो जलवायु है वो कौन सी हो सकती है। तो मिर्च एक गर्म मौसम की फसल है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि ये गर्म मौसम की फसल है और इसकी खेती के लिए उपयुक्त तापमान 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना गया है। और जब फूल आ रहे हों तो फूल आते समय तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस होने पर उत्पादन अच्छा मिलता है। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिर्च की जो फसल है वो कौन किस प्रकार की फसल है, तो आपको जवाब देना है मिर्च की फसल हमेशा गर्म मौसम की फसल होती है। ठीक है, फिर वो आपसे ये पूछेगा कि मिर्च की खेती के लिए या मिर्च की पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए, पौधे की सामान्य रूप से वृद्धि हो इसके लिए कितना तापमान होना चाहिए। तो सामान्य रूप से वृद्धि होने के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फूल आते समय कितना तापमान होना चाहिए। तो फूल आते समय अगर तापमान आपसे पूछता है तो 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। कितना माना जाएगा, 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अच्छा माना जाता है। इस तापमान पर क्या होता है, उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा मृदा। अब मृदा में क्या है, मृदा के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हो और इस बार एग्जाम दोगे तो मिर्च के लिए आपको क्या करना है, जो मृदा लिखनी है आपको, अगर एग्जाम में पूछा जाए कोई सी भी मृदा अगर आपसे पूछा जाता है, कोई सी भी मिट्टी के बारे में पूछा जाता है, कोई सी भी क्रॉप हो, तो आपको सबसे पहले तो ये लिखना है आपको कि अच्छे जल निकास वाली कोई सी भी मिट्टी हो उसमें अच्छा जल निकास होगा तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है अच्छे जल निकास वाली, फिर उसके बाद में जो मिट्टी आएगी वो मिट्टी आएगी 90% कंडीशन में जो मिट्टी आती है वो आती है बलुई दोमट। तो अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है और जिसका पीएच 6.5 से 7 के मध्य हो, क्योंकि 6.5 से 7 के मध्य जो मिट्टी होती है लगभग हल्की अम्लीय उदासीन होती है और इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें हर प्रकार की फसल का उत्पादन अच्छा होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि मिट्टी में क्या हो सकता है, मिट्टी में बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए और जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका खरपतवार नियंत्रण। अब खरपतवार नियंत्रण में क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण में आपने देखा होगा कि अलग अलग रसायन उपयोग में लिए जाते हैं, तो इसके अंदर जो रसायन उपयोग में लेंगे उसका पहले का नाम है फ्लू क्लोरेलिन।
क्या नाम है, फ्लूक्लोरेलिन। लेकिन एक 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 जो रसायन होता है उसके दो दो नाम होते हैं। अब फ्लूक्लोरेलिन तो इसका ओरिजिनल नेम है, लेकिन अगर बाजार में आप जाते हो तो बाजार में आपको फ्लूक्लोरेलिन के नाम से नहीं बिकेगा, नहीं मिलेगा वो आपको। वैसे अगर आप लोग उनको शॉपकीपर को जाके बोलोगे तो वो दे तो देगा आपको कि हाँ फ्लूक्लोरेलिन इसके अंदर फ्लूक्लोरेलिन, लेकिन उसका जो ओरिजिनल नेम होगा, ट्रेड नेम होगा या व्यापारिक नाम होगा, वो उसका व्यापारिक नाम होगा बेसालिन। तो प्रत्येक रसायन के दो नाम होते हैं, एक होता है फ्लूक्लोरेलिन, सॉरी एक होता है सामान्य नाम और एक होता है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम का मतलब वो होता है कि बाजार में वो उस नाम से बिक रहा है, ठीक है। तो फ्लूक्लोरेलिन डाला जाता है एक तो, एक एलाक्लोर डाला जाता है, और फ्लूक्लोरेलिन का व्यापारिक नाम होता है बेसालिन और एलाक्लोर का व्यापारिक नाम होता है लासो। तो वो आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि एलाक्लोर का व्यापारिक नाम क्या है या ट्रेड नेम क्या है या एलाक्लोर बाजार में किस नाम से बिकता है, तो ये वो आपसे पूछ सकता है। तो इसका जवाब आपको क्या देना है, लासो देना है। एलाक्लोर का पूछे तो लासो, अगर आपसे फ्लूक्लोरेलिन का पूछता है तो बेसालिन इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा। अब देखिए कुछ कायिक विकार होते हैं, कायिक विकार का मतलब मैं समझा चुका हूँ बहुत बार, वापस से समझा देता हूँ। देखिए कोई सा भी जो पौधा होता है उसमें तीन प्रकार से हानि हो सकती है, एक हानि होती है उसकी कीटों से, दूसरी हानि होती है उसकी रोगों से, और तीसरी हानि उसकी होती है कायिक विकार से। कायिक विकार से जो हानि होती है उसमें मुख्य रूप से आपके जो पौधे के बाह्य लक्षण होते हैं, पौधे के जो बाह्य लक्षण होते हैं वो बाह्य लक्षण क्या होते हैं, मुख्य रूप से बाह्य लक्षण आपको परिवर्तित देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बाह्य लक्षण होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जैसे फल का या क्या बोलते हैं, फल का फट जाना या किसी और प्रकार का उसका लक्षण बदल जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है कि कायिक विकार में जो होगा वो हमेशा किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से होगा या वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण होगा, ठीक है, वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण होगा। तो अब देखिए नंबर एक पे है आपका ब्लॉसम एंड रोट। अब जो मिर्ची के अंदर ब्लॉसम एंड रोट होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन की अधिकता और पानी की कमी के कारण। जब मिट्टी में हम नाइट्रोजन की मात्रा अधिक डाल देते हैं या फिर मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में ब्लॉसम एंड रोट नामक कायिक विकार हो जाता है, ब्लॉसम एंड रोट नामक कायिक विकार उत्पन्न हो जाता है। और ये किस में होता है, ये मिर्ची के अंदर होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फ्रॉग आई रोट। अब इसमें भी यही सेम कंडीशन है, नाइट्रोजन की कमी से होता है, सॉरी नाइट्रोजन की अधिकता और पानी की कमी के कारण फ्रॉग आई रोट हो जाता है। बेसिकली यहां पर जो सच्चाई वो है, सच्चाई है वो ये है कि ब्लॉसम एंड रोट का ही दूसरा नाम फ्रॉग आई रोट है, लेकिन मैं अलग अलग मैंने समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है। अब देखिए उपज कितनी होती है, अब उपज बता देता हूं। अगर सामान्य हमने सामान्य किस्मों को उगाया है तो सामान्य किस्मों को उगाने पर हमें 8 से 10 टन हरी मिर्ची प्रति हेक्टर प्राप्त हो जाती है, 8 से 10 टन हरी मिर्ची प्रति हेक्टर प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर हमने संकर किस्मों को उगाया तो 25 टन प्रति हेक्टर हरी मिर्ची प्राप्त होती है, कितने टन, 25 टन प्रति हेक्टर हरी मिर्च प्राप्त हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरी मिर्च और सूखी मिर्च का अनुपात कितना होता है, तो अगर हमने 10 किलोग्राम हरी मिर्ची तोड़ी है तो उससे 1 किलोग्राम सूखी मिर्ची ही हमें प्राप्त होगी, ठीक है, क्योंकि 10 किलोग्राम हरी मिर्ची को जब सुखाया तो जो लास्ट में उसका वजन रह गया वो वजन रह गया 1 किलोग्राम। तो वो आपसे पूछ सकता है कि हरी मिर्च और सूखी मिर्च का अनुपात कितना होता है, तो हरी मिर्च और सूखी मिर्च का जो अनुपात होता है वो 1:10 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और वो आपसे पूछ सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अच्छी प्रकार की सूखी लाल मिर्च में नमी कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये सवाल भी बार बार आया हुआ है बार बार, तो इसका ध्यान रखना है कि 12% से अधिक अगर अधिक नमी होगी तो वो उस मिर्ची को सही ढंग से नहीं सुखाया गया है या उस मिर्ची में नमी की मात्रा उपस्थित है, ठीक है, अधिक नमी की मात्रा उपस्थित है। तो ध्यान रखें कि अच्छी प्रकार सूखी हुई लाल मिर्च में नमी की मात्रा हमेशा 12% से कम होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब कुछ क्रॉप और बची है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार के डिजीज़ लगते हैं, तो ये आपको समझने हैं। देखिए क्या क्या है इसमें मैं बता देता हूँ। पहले देखिए कुछ कीट होते हैं जो मुख्य रूप से इस फसल में लगते हैं, वो कीट कौन कौन से हैं पहले बता देता हूँ। एक तो होता है आपका थ्रिप्स, फिर होता है आपका सफ़ेद मक्की, फिर होता है आपका ग्रीन एफिड, फिर होता है येलो माइट। ये कुछ कीट हैं जो मिर्च की फसल में लगते हैं। अब देखिए रोग कौन कौन से हैं, वो रोगों के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए एक रोग लगता है उसका नाम है श्यामवर्ण या फल सड़न होता है, फम सड़न नहीं है, फल सड़न है, थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये श्यामवर्ण या फल सड़न जो होता है ये पहले तो वो आपसे ये पूछेगा कि ये होता किससे है, तो होता है तो इसका जवाब देना है आपको कि ये कवक के द्वारा होता है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उस कवक का नाम क्या है, तो उस कवक का नाम क्या है, कोलेटोट्राइकम कैप्सिसाई। क्या नाम है, कोलेटोट्राइकम कैप्सिसाई। अब मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि उस नाम के ही अंदर उस फसल का क्या लिखा होता है, उस नाम के अंदर ही उस फसल का आंसर छुपा होता है या उस क्रॉप के या उस वेराइटी के अंदर ही या उस रोग कारक के अंदर ही उसका
नाम छुपा होता है। अब देखिए यहाँ पर पीछे लिखा गया है कैप्सिसाई। अब कैप्सिसाई से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है तो कैप्सिसाई से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैप्सिकम किसको बोलते हैं, मिर्च को बोलते हैं। तो उस प्रकार आप अंदाज़ा लगा के ये संबंध बना सकते हो कि हो ना हो इसका संबंध मिर्च की फसल से है, और इसमें आंसर जो आएगा वो यही आएगा, ठीक है। तो कोलेटोट्राइकम कैप्सिसाई क्या है, श्यामवन रोग को फैलाता है, ये एक विशेष प्रकार का कवक है जो मिर्ची की फसल में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा आर्द्र गलन। अब मैंने आर्द्र गलन के बारे में लगभग पीछे बहुत बार बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि आर्द्र गलन एक बहुत ही हानिकारक रोग है। आर्द्र गलन एक बहुत ही हानिकारक रोग है और ये लगभग हर क्रॉप में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक क्रॉप होती हैं उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। जैसे आपका टमाटर हो गया, जैसे आपका पपीता हो गया, जैसे आपका आर्द्र गलन में मिर्ची हो गया, ये इसमें ज़्यादा देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ये देखिए, इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले तो नर्सरी में होता है। नर्सरी में हम जब पौधों को रखते हैं तो अधिक पानी के कारण क्या हो जाता है, उनका तना गल जाता है और एक कवक होता है जिसका नाम होता है पीथियम एफिनीडर्मेटम। इस कवक के कारण और अधिक पानी की उपस्थिति के कारण तना गल जाता है और गल के तना जो होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, बेंड हो जाता है, और पौधा क्या होता है कुछ दिनों में ही नीचे की तरफ गिर जाता है, और इस कंडीशन को हम आर्द्र गलन के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम डैम्पिंग ऑफ बी कहते हैं। क्या कहते हैं, डैम्पिंग ऑफ बी कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये जो कंडीशन है ये इस प्रकार की कंडीशन होती है। हालांकि मुझे पता है कि आपको सही ढंग से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल आप समझ सकते हो कि हर चीज़ को सही ढंग से यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बाकी कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश एक्सप्लेन करने की, पर वो फोटो आपको सही ढंग से दिखाई नहीं दे रही, मुझे पता है। अगर आप और ज़्यादा आपके पास जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है और आप ढंग से देखना चाहते हो तो यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देंगे आपको, उन डॉट पर क्लियर करके आप अपनी क्लियरिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है लीफ कर्ल। मैंने बताया था पहले भी, जब पूसा ज्वाला वेराइटी बढ़ाई थी तो लीफ कर्ल क्या होता है, पत्तियाँ मुड़ जाती है। तो ये किसके द्वारा होता है, लीफ कर्ल वायरस के द्वारा होता है। इसको फैलाने का कार्य सफ़ेद मक्खी करती है। सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम बेमेसिया टेबेसाई होता है और ये रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे तक वायरस का संचार करती है या संक्रमण करती है, ये फैलाती है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये इस विशेष प्रकार के, अब मुझे पता है ये क्लियर नहीं दिख रहा है थोड़ा, लेकिन आप समझ अंदाजा लगा लो कि जो पत्तियां होती है वो मुड़ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, पाउडरी मिल्ड्यू क्या है, ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देता है। अब देखिए ये एक विशेष प्रकार का क्या है, विशेष प्रकार का एक पत्ता है और इस पत्ते के ऊपर देखिए सफ़ेद कलर का पाउडर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर भी दे रहा है, ये यहाँ पर भी दे रहा है। तो ये क्या है, ये एक विशेष प्रकार की कवक होती है जो पौधों के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू रोग को फैलाती है, ठीक है। तो किसी भी पौधे के अंदर अगर पाउडरी मिल्ड्यू नाम सुनते हो आप, कि इस चाहे वो फ्रूट फसल हो, फ्रूट वाली क्रॉप हो, या वेजिटेबल हो, या कोई सी भी क्रॉप हो, या आपका एग्रोनॉमी की क्रॉप ही क्यों ना हो, अगर उसमें आपको बता दिया कि पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू को हम मुख्य रूप से जानते हैं छाछा के हिसाब से, ठीक है, छाछा रोग बोलते हैं इसको हिंदी में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर का लक्षण क्या है, तो पत्तियों के ऊपर क्या दिखाई देता है, ऐसा सफ़ेद कलर का ग्रोथ दिखाई देती है, धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पाउडर नुमा धब्बे दिखाई देते हैं। फिर इसका नियंत्रण पूछा जाता है, तो नियंत्रण के लिए हमेशा केराथेन नामक दवाई ही डाली जाएगी। क्या डाला जाएगा, चाहे फसल कोई सी भी हो लेकिन दवाई एक ही होगी और उसको केराथेन के नाम से जानते हैं। लेकिन वो केराथेन आपको बाजार में नहीं मिलेगी, क्योंकि बाजार में उसका नाम केराथेन नहीं है, बाजार में उसका नाम डाइनोकेप है। क्या है, डाइनोकेप नाम से जानी जाती है। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केराथेन का व्यापारिक नाम क्या है, डाइनोकेप है। ये पाउडरी मिल्ड्यू के रोग के उपचार के लिए उपयोग में लाई जाती है और इसमें जो रोग होता है पाउडरी मिल्ड्यू, उसमें सफेद प्रकार के सफेद रंग के पाउडर के धब्बे दिखाई देते हैं और उसके नियंत्रण के लिए 0.05% मात्रा का उपयोग किया जाता है। इतना क्लियर है, अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि एक रोग होता है लीफ स्पॉट, जिसको पत्ती धब्बा भी बोलते हैं। अब ये आपको इमेज में देख सकते हो, ये एक विशेष प्रकार की पत्ती है मिर्ची की और उसमें आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पत्ती धब्बा, इसका भी मैं एक अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा आपको, इसका जो प्रमुख लक्षण वो है वो क्या है, पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। तो ये आपको पत्ती दिखाई दे रही है, इस पर धब्बे बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। अब नियंत्रण की बात आती है तो मैं इनको जेब दवाई डालेंगे, चाहे आपकी फसल कोई सी भी हो अगर उसमें पत्तियों से रिलेटेड धब्बे बन रहे हैं तो धब्बे के नियंत्रण के लिए हमेशा मेनकोजेब दवाई डाली जाएगी। कौन सी दवाई डालेंगे, मेनकोजेब नामक दवाई डाली जाएगी और उसकी जो मात्रा होगी वो 0.25% होगी पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 25% डाली जाएगी, 0.25%, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर किसी भी क्रॉप के अंदर आपको पूछ लिया जाता है कि पत्ती धब्बा रोग का नियंत्रण करना है तो मेनकोजेब दवाई डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी भी रोग के अंदर पाउडर मिल्टी समस्या हो गई है तो केराथिन डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है मिर्च में फूलों को झड़ने से रोकने के लिए, मिर्च की जो फसल होती है उसमें फूलों को झड़ने से रोकने के लिए वो पूछेगा आपसे कि किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है उसका छिड़काव किया जाता है। फिर वो आपसे मात्रा पूछेगा कि मात्रा कितनी होती है, तो फिर वो मात्रा बताना है आपको 20 से 40 PPM। मैं भी जो PPM होता है उसका भी फंडा क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसका पढ़ लेते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, फूलों को अगर झड़ने से रोकना है तो हमेशा हमें NAA का छिड़काव करना पड़ेगा। किसका छिड़काव करेंगे, हमेशा फूलों को झंडे से रोकने के लिए NAA का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, 20 से 40 PPM। अब देखिए PPM का क्या होता है, PPM से दो सवाल पूछे जाते हैं आपसे। एक तो ये पूछा जाएगा कि PPM जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो PPM का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। क्या होता है, PPM का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि एक PPM कितने के बराबर होता है, तो एक PPM एक ML के बराबर होता है, तो 100 PPM 100 ML के बराबर होंगे, तो एक PPM कितने के बराबर होगा, एक PPM बराबर एक ML के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये आपकी जो मिर्ची की क्रॉप थी ये क्रॉप पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई है और आप स्टूडेंट नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इसके इसके कमेंट बॉक्स में जाके लिखना कि सर अब नेक्स्ट क्रॉप भी आप इसी तरीके से हमें पढ़ाओ, तो मैं नेक्स्ट क्रॉप भी लेके आ जाऊंगा आपके सामने और इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए, अगर कमेंट नहीं आएंगे, दैट मीन्स मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में नहीं आया और फिर हो सकता है कि आगे पार्ट ना आए ही नहीं कभी इसका। ठीक है, तो आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आया तो अच्छे अच्छे कमेंट करना कि सर अच्छा समझाया जो भी है आपका, और उसके अलावा ये भी लिखना कि सर जो ये क्रॉप तो कंप्लीट हो गई है तो नेक्स्ट जो क्रॉप आप पढ़ाओगे सर उसको इसी तरीके से पढ़ाना, ताकि मैं आपकी जो 6:30 बजे वाला सेगमेंट है उसमें कंटिन्यू कर लूंगा। क्योंकि जब स्टूडेंट नहीं आते हैं और स्टूडेंट का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मेरी इच्छा नहीं करती है क्लास लेने की। तो जितना आप स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, जितने स्टूडेंट आएंगे उतना ही क्लास कंटिन्यू लगेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, अब मिलेंगे ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।